Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today, in EVS, we are going to revise chapter 5 in short and then move to the back exercises. We will, we will discuss the back exercises. So, let us see what was in the chapter, revise it once again, and then we will move to the back exercises. डोमेस्टिक एनिमल्स एज वी ऑल नो पालतू जानवर डोमेस्टिक मतलब पालतू और एनिमल्स मतलब जानवर तो जिनको लोग पालते हैं उनका ख्याल रखते हैं उनको खाना देते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि वो यूज़फुल हैं उनसे कुछ मिलता है कुछ लोग जानवरों को इसलिए भी पालते हैं क्योंकि वो क्योंकि वो आप उन जानवरों को पसंद करते हो जैसे कि डॉग रैबिट वगैरह को लोग पालते हैं अपने घरों में रखते उनका ख्याल रखते क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं प्यार करते हैं ठीक है और ऐसे को कहा जाता है पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिसको फार्म पे या बैकयार्ड के बैकयार्ड मतलब घर के पीछे लोग रखते हैं ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स ओके आप यहां देखो डोमेस्टिक एनिमल्स बोलो यह पेट है यहां पे लोग जानवरों को खिला रहे हैं उनका ख्याल रख रहे हैं तो ये क्या है पेट्स है. हैं इसको लोग घर में रखें क्यों क्योंकि वो जानवरों को पसंद करते हैं ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में दिख लिखा हुआ है एनिमल्स गिव अस फूड अभी मैंने आपको बताया कि वो जानवरों को पालते हैं क्यों पालते हैं क्योंकि वो यूज़फुल हैं उनको उनसे कुछ ना कुछ मिलते रहता है जैसे कि काव से मिल्क मिलता है बफेलो से भी मिल्क मिलता है गोट से भी मिल्क मिलता है तो लोग इसलिए काव गोट बफिल्लो को पालते हैं ओके okay? काव बफेलो एंड गोट से क्या मिलता है मिल्क मिलता है मिल्क बहुत हेल्दी होता है आपके हेल्थ के लिए और आपको डेली पीना चाहिए फिर मिल्क से और भी चीज़ें बनती हैं जैसे दही हो गया घी हो गया क्रीम चीज़ ये सब किससे बनता है मिल्क से बनता है तो इसलिए वे लोग आ, काव गोट बफेलो को पालते हैं क्योंकि इनसे मिल्क मिलता है और मिल्क से फिर वो मिल्क प्रोडक्ट्स बना के खाते हैं और बेचते भी हैं और आइसक्रीम और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और आइसक्रीम भी किससे बनती हैं मिल्क से बनती हैं तो मिल्क का बहुत यूज़ है और इसलिए लोग मिल्क देने वाले एनिमल्स को दूध देने वाले एनिमल्स को पालते हैं ओके okay? नेक्स्ट एनिमल्स को और भी बर्ड्स को पालते हैं लोग कहाँ पालते हैं पोल्ट्री फार्म में फार्म जैसे कि फार्म किसको बोलते हैं वो एरिया जहाँ पे फार्मर्स फार्मिंग करते हैं ना फील्ड होता है उसको बोलते हैं फार्म तो वहाँ पे लोग जानवरों को भी पालते हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स को पाला जा रहा है क्यों उनके एग्स के लिए क्रॉप्स उगाते हो आप ताकि उससे फ़ूड मिले आपको वो बड़े हों तो उससे आपको फूड मिले कुछ क्रॉप्स से वेजिटेबल्स मिले फ्रूट्स मिले तो द सेम वे यहाँ पे जानवरों को यानी कि बर्ड्स को यहाँ पे पाला जा रहा है कौन से बर्ड्स को हैंन डग गीज इनको पाला जा रहा है क्यों ताकि उनके अंडे ये लोग ले सके उसे खा सके बेच सके उससे पेस्ट्रीज और केक्स बना सके तो फॉर देयर एग्स इट इज़ बींग डन पोल्ट्री फार्म में लोग बर्ड्स को जैसे कि हैंडीज़ को पालते हैं उनके एग्स के लिए ओके okay? और इनके एग्स का यूज़ क्या है केक और पेस्ट्रीज बनाने में नेक्स्ट कुछ जानवर जा, जानवरों को लोग खाते हैं उनके फ्लैश को उनके मीट को खाते हैं ओके okay? ऐसे इंसानों को बोला जाता है नॉन वेजिटेरियंस जो फ्लैश खाते हैं मीट खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है किसका फ्लैश खाते हैं गोट और चिकन्स का फ्लैश खाते हैं इंसान खाते हैं ओके okay? अंडे भी इंसान खाते हैं केक पेस्ट्रीज जो बनती हैं अंडे से वो भी हम लोग ही खाते हैं जानवर खुद नहीं खाते वो ओके देन वी हैव वट आर एनिमल्स लाइक फिश एंड प्रॉन्स इसे भी कौन खाता है हम लोग ही खाते हैं इंसान ही खाते हैं ओके देन वी हैव हनी बीज हनी बीज क्या बनाती हैं हनी बनाती हैं और ये बहुत टेस्टी स्वीट और हेल्दी होता है और ये हम लोग खाते हैं हनी बीज कहाँ से हनी बनाती हैं फ्लावर्स के नेक्टर से नेक्स्ट इसीलिए हनी बीज और हेन काउ बफेलो ये सब को लोग पालते हैं क्योंकि उनसे कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं और सिर्फ यही नहीं है कि उनसे खाने की चीज़ें मिलती हैं इसलिए लोग उसे पालते हैं या उनके फ्लैश खाना होता है इसलिए लोग उसे पालते हैं बल्कि लोग उससे काम भी करवाते हैं वो इंसानों की मदद भी करते हैं एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क वो हमारे काम में हमारी मदद करते हैं कैसे कुछ एनिमल्स क्रॉप उगाने में हेल्प करते हैं जैसे कि ऑक्सन प्लकिंग फील्ड्स जो आप देखते हो खेती करता है जब किसान तो वो वहाँ पे हल जोतना बोलते हैं इसको तो यहाँ पे ऑक्सीजन से वो हल जुताते हैं अपने खेत में उन्हें चलाते हैं जिससे उनके खेत में क्रॉप्स जो होते हैं वो ज़मीन में अच्छे से चले जाते हैं सॉइल में तो इसीलिए जब फील्ड को प्लग करना होता है तो वो किसकी हेल्प लेते, है? लेते हैं ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं एनिमल्स ऑल्सो अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यहाँ देखो पानी निकालने में भी कुएं से हेल्प करते हैं और एनिमल्स जो हैं वो लोड्स कैरी करते हैं जैसे कि ऑक्सन म्यूल्स कैमल डोंकीज़ एक्सेक्ट्रा ये लोड कैरी करते हैं एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरे जगह जाने में सामान उठाने में ले जाने में हेल्प करते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो कार्ड्स कुछ एनिमल्स जो हैं वो बैल बैलगाड़ियाँ जैसे कि बैल चलाती है उसे ना तो उसे बैलगाड़ी कहते हैं बुलॉक्स बुलॉक कार्ट बोलते हैं तो सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ट वो कार्ट खींचने में उसमें इंसानों को बैठा कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं लोग तो बुलॉक्स हो गए हॉर्सेस हो गए कैमल्स हो गए ये सारे एनिमल्स कार्ट को ड्रॉ करने में खींचने में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं ये देखो ब्लॉक कार्ट ओके ये हॉर्स है ये कैमल है तो इसलिए भी लोग इसमें भी लोग जानवरों की हेल्प लेते हैं और जानवर हमारी मदद करते हैं नेक्स्ट वी हैव राइडिंग सवारी करने में घोड़ सवारी सुने हो ना सवारी किसे बोलते हैं जब आप हॉर्स पे बैठ के राइड करते हो तो उसे बोलते हैं घोड़ सवारी कैमल पे भी बैठ के लोग राइड करते हैं एलिफेंट पे भी एलिफेंट पे भी लोग बैठ के राइड करते हैं एलिफेंट जो होता है उसमें मोस्टली राजा लोग पहले राजा लोग जो थे वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे वो बहुत रॉयल माना जाता था ओके देन राइड करने के लिए इन एनिमल्स का यूज करते हैं ऑल दीज एनिमल्स दैट आर यूज फॉर हैवी वर्क जो भारी कामों के लिए यूज किए जाते हैं या हमारे मदद करते हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन ओके एनिमल्स गिव अस यूजफुल थिंग्स एनिमल्स हमें बहुत यूजफुल चीजें देती हैं देते हैं जैसे कि वुल वुल किससे मिलता है शीप से मिलता है उससे क्या बनता है स्वेटर बनते हैं या वुलन क्लोथ बनते हैं जो आप ठंड में पहनते हो देन वी हैव एनिमल्स जिनके स्किन से जिनके स्किन से लेदर निकाला जाता है लेदर बनता है और लेदर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं शूज बेल्ट जैकेट वॉलेट्स एक्सेट्रा उनके स्किन से और ये एनिमल्स कौन है जिनके स्किन से लेदर मिलता है काउज बफेलोज हॉर्सेस कैमल स्नैक्स एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट वी हैव सिल्क वाम्स सिल्क वॉम्स से सिल्क मिलता है ठीक है और इन सिल्क वॉर्म के सिल्क से कपड़े बनते हैं जो कि सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी होते हैं उनमें बहुत चमक होती है और वो बहुत महंगे होते हैं स्पेशली साड़ी कुर्ता यही बनता है ओके नेक्स्ट वी हैव एनिमल्स के जो डंग होते हैं डंग किसे बोलते हैं उनकी जो फेसेस आप बोल सकते हो जो वो पॉटी करते हैं उससे क्या बनता है मैन्योर बनता है खाद बनती है और वो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छी होती है उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है फर्टिलिटी बढ़ना मतलब उसकी कैपेसिटी अगर उसमें कम पौधे उग रहे आप उसमें मैन्योर डालोगे मैन्योर यानी कि खाद तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी उसकी क्षमता बढ़ जाएगी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी ओके तो इसलिए काउ और बफेलो के जो डंग होते हैं जो उनके मैन्योर रिमेन्स होते हैं जो वो करते हैं वेस्ट मटेरियल उसको यूज किया जाता है और ड्राइड डंग यानी कि इनको सुखा कर एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है जलाया भी जाता है ओके नाउ लेट इज मूव टू द एक्सरसाइज टेक द करेक्ट ऑप्शन द फर्स्ट वन द एनिमल वी कीप एज पेट इसमें से कौन सा एनिमल है जो पेट की तरह रखा जाता है डॉग वी ईट द एग्स ऑफ किसके एग खाते हो हैंस we get honey from honey bees the animal we do not use for riding isme se kaun sa animal riding ke liye use nahi hota hai deer next we get wool from wool kahan se milta hai sheep sheep bol rahi hu main sheep nahi sheep fill in the blanks with the correct word yahan options diye hain aapko inko dekh ke blanks ko fill karna hai okay द फर्स्ट वन वी कीप डैश एनिमल्स विथ हस आप वाइल्ड एनिमल्स को रखते हो या डोमेस्टिक एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स को वी मेक कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम कर्ड और चीज़ क्या से बनाते हो मिल्क से दूध से क्यों क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं द पीपल हु ईट मीट जो मीट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है नॉन वेजिटेरियंस वो वेजिटेरियंस नहीं वेजिटेरियंस किसे कहते हैं जो सब्जियां खाते हैं फल खाते हैं और वो फ्लैश नहीं खाते मीट नहीं खाते ओके नेक्स्ट वी मेक लेदर फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल्स उनके बाल से या उनके स्किन से स्किन से बनता है लेदर किससे बनता है स्किन ऑफ एनिमल्स सिल्क क्लोथ्स आर सॉफ्ट एंड सिल्क क्लोथ सॉफ्ट होती हैं और एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती हैं ओके okay? यहाँ पे पिक्चर है इसमें हमें लिखना है कि ये प्रोडक्ट हमें किस एनिमल से मिलता है तो यहाँ पे आप देखो ये जो है आपको बटर है बटर किस ची किससे मिलता है आपको मिल्क से मिलता है और मिल्क कौन एनिमल्स देते हैं काउ बफिल्लोस गोट तो मैंने यहाँ पे काऊ लिखा है नेक्स्ट वी हैव साड़ी ये साड़ी किस का किस कपड़े की बनी है सिल्क की साड़ी है तो सिल्क की साड़ी सिल्क कहाँ से मिलता है सिल्क वॉम से हनी हनी बी से मिलता है ये है आपका ग्लव्स वुलन ग्लव्स वुल का बना हुआ है तो वुल का जब बना हुआ ग्लव्स है तो वुल कहाँ से मिलता है शीप से मिलता है ओके नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स ऑफ टू एनिमल्स यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो मिल्क देती हैं जिसका मीट खाया जाता है इनके दो दो एग्जाम्पल्स लिखने कि ये कौन से दो एनिमल से मिलता है तो द फर्स्ट वन इज दैट गिव अस मिल्क दूध मिलता है इनसे तो काउस और गोट्स मीट किसका खाते हैं लोग गोट्स और चिकन्स देन वी हैव दैट कैरी लोड्स अस जो हमारे लिए भार उठाते हैं वजन उठाते हैं डोंकीज एंड कैमल्स ड्रॉ कार्ड्स जो गाड़िया, बैल गाड़ियाँ हो या फिर गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो है हॉर्सेस एंड ब्लॉक्स नेक्स्ट दैट गिव अस लेदर जिनसे हमें लेदर मिलता है तो वो किसकी लेदर कहाँ से मिलता है एनिमल्स के स्किन से और वो किन एनिमल्स की स्किन होती है काउस स्नेक्स कैमल्स एक्सेट्रा ओके देन कम टू मैच इट मैच द फॉलोइंग आइसक्रीम आइसक्रीम कैसे बनता है आइसक्रीम बनता है आपका किससे बनता है बफेलोज आइसक्रीम से बनता है मिल्क से बनता है और मिल्क कहां से आता है बफेलोज से तो नंबर वन क्या होगा बफेलो ओके देन वी हैव पोल्ट्री फार्म मैंने आपको कहा था कि पोल्ट्री फार्म किसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म उन जगहों को कहते हैं जहाँ पे बर्ड्स को पाला जाता है फॉर देयर एग्स और वो बर्ड्स कौन हैं डग गीज हैंस एक्सेट्रा तो पोल्ट्री फार्म में क्या होगा हैंस ओके नंबर वन नंबर टू देन प्लगिंग तो किस किस का ये आपका जो प्लगिंग करते हैं वो कौन सा एनिमल करते हैं वो है ऑक्सन तो वो फील्ड को प्लग करने में हेल्प करते हैं देन वी हैव मैन्योर मैन्योर यानी खाद खाद कहाँ इस्तेमाल होता है क्रॉप्स में तो नंबर फोर क्रॉप्स दैट्स ऑल डू इट इन योर बुक गो थ्रू द चैप्टर लर्न द बैक एक्सरसाइजेस ओके डू द होमवर्क स्टडी वेल स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू